मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मुझे आपके मंच पर आए हुए घंटा 17 मिनट और 48 सेकंड हुए, 37 मिनट मैंने आपका मोर्चा संभाला। जो आपके प्रति मेरे मन में पीड़ा थी, जो दर्द था, जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, ये कोई बात मेरे लिए नहीं है। आपसे मुखातिब होने का ऐसा पहला अवसर हुआ है। अगर मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने 24 मई 2018 को 18 घंटे हिरासत में काटे थे, मुझे यहाँ के एसीपी साहब कॉलर पकड़ के खींच के ले गए थे, क्योंकि मैंने नरेश कुमार जैसे जालिम अत्याचारी एडमिनिस्ट्रेटर की गाड़ी पर गमला फेंका था। उन सालों में मेरे कमरे भाड़ों के मैंने पुलिस की भर्ती के बटन तोड़े थे। ये अधिकारियों ने मेरे खिलाफ झूठे एफिडेविट पर साइन किए, मगर वो झूठी चाले और उनकी साजिशें मेरा कुछ नहीं निकाल पाई, क्योंकि मैं एक वकालती पेशे से छोड़ा हूँ, कानून जानता हूँ, कानून पढ़ा है मैंने। किसी के भी एलिगेशन से किसी को भी सजा नहीं होगी और ना हो सकती है। साबित करना होगा किसी को सजा देने के लिए, किसी को मुलाजिम साबित करने के लिए साबित करना होगा। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, मेरा भी अधिकार था, लेकिन उस वीडियो फुटेज में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं था जो साबित करता कि रवि थरूर कूड़ा फेंक रहा था। कूड़ा फेंकने वालों का आक्रोश था, मैं उस आक्रोश में शामिल था। मेरे खिलाफ नरेश कुमार चेयरमैन के कान भरे गए, झूठी जानकारियां मेरे खिलाफ उसे दी गई, लेकिन हिंदी भाषा में कहूंगा मेरा बाल नहीं उठा। और दूसरी बात, हमारे सुधाकर साहब हमारे बीच में सम्मानित व्यक्ति है, जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जिस सोचने को लेकर चल रहे हैं, सभी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच बड़े भाई अशोक साहब, ये ऐसी हस्तियां हैं, मेरे जैसे लोग पता नहीं कितने आएंगे, इनका मुकाबला किसी से नहीं है। ये मंदिर की वो मूर्तियां हैं, हम तो वो भक्त घर है, जो आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन ये वो मंदिर की मूर्तियां हैं जो कभी अपना स्थान नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, रवि सॉरी आप ही की तरह गरीब आदमी है, मेरे माँ बाप भी सफाई कर्मचारी थे, मेरे दादा दादी भी सफाई कर्मचारी थे, पार्टी विचारधारा से मेरा पार्टी विचारधारा को लेकर मैं आपके मुझ पर नहीं आया हूँ। अगर ये मेरी पार्टी मुझे अगर कल को तिहाड़ जेल भी भिजवाती है तो भिजवा दे, संसद का घेराव करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार हूँ तो मैं संसद का घेराव करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पार्टी के नाते मुझ पर कोई एलिगेशन का आरोप नहीं लगाया जाए। पार्टी क्या कर रही है, पार्टी जवाब देगी। रवि जोरी आपके साथ खड़ा है, तन मन धन से साथ खड़ा है, अपनी जान की भाई बनाने के लिए तैयार खड़ा है। मेरा मेरे भाई सुधाकर साहब और अशोक साहब से कहना है कि बड़ी स्ट्रेटेजी बनाओ, बड़ी योजना बनाओ यार, हमारे इसी तरह लोग मारे जाएंगे, हमारे नौजवान साथी किसी तरह मौत के खाते तरफ उड़ाते जाते रहेंगे। 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए अफसरों के खिलाफ, सेक्रेटरी चेयरमैन के खिलाफ, कोई आर्थिक तंगी के चलते मारा गया, कोई बीमारी के चलते मारा गया, कोई कर्जे के चलते मारा गया, कोई इंतजार के चलते मारा गया, कि शायद आज नहीं तो कल में सकता हो जाए। और मैं अपने सभी मौजूदा यूएन संगठन के लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सवाल हमारी पीड़ाओं का है, सवाल हमारी पीड़ाओं का एक दूसरे पर प्रहार का नहीं है। यार मैं आपके पीछे बैठने के लिए तैयार हूँ, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। आप कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं, आपके चरण वंदन करने के लिए तैयार हूँ, आपके चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हूँ। लड़ो, इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, बड़ी स्ट्रेटेजी बनाओ, बड़ी योजना बनाओ। जब तक बड़ा कुछ नहीं होगा आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर 6 महीने भी लंगर चलाना होगा तो सुधाकर भाई मैं वादा करता हूँ उस लंगर की जिम्मेवारी मैं लूंगा।
आओ नई दिल्ली के सारे चक्के जाम, नई दिल्ली की सारी हर बत्ती कर दो जाम, न जाने देंगे और नहीं निकलने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे मौजूदा सभी सम्मानित आए हुए साथियों को धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। सभी यूनियन को मेरा धन्यवाद। हमारे बीच हमारे गुरु साथी हमारे सीधा समान यहाँ मौजूद है, आदरणीय गंगाराम जी जिनको मैं पिता की जगह स्थान देता हूँ।